अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कीपिंग फिट एंड हेल्दी। टू बी फिट एंड हेल्दी यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। अगर आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। यू डू नॉट हैव टू बी अ सुपर एथलेट, आपको सुपर एथलेट होने की ज़रूरत नहीं है, और गो टू द जिम एवरी डे टू बी फिट एंड हेल्दी। सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए हर रोज़ जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हेयर आर अ फ्यू सिंपल थिंग्स, यहाँ पर चंद सादा चीज़ें हैं डेट यू कैन डू, जो आप कर सकते हैं सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए। फर्स्ट, कट डाउन ऑन फ्राइड फूड, तली हुई चीज़ें खाना बंद कर दें। यूज़ वेजिटेबल ऑयल फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ एनिमल फैट, एनिमल फैट की बजाय। ट्राई बॉइलिंग और ग्रिलिंग फूड, बॉइलिंग और ग्रिलिंग फूड खाने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ फ्राइंग, फ्राइंग तली हुई चीज़ खाने की बजाय। नेक्स्ट, ईट लेस रेड मीट, हमें रेड मीट कम खाना चाहिए। पोल्ट्री एंड फिश आर बेटर, मुर्गी का गोश्त और मछली ज़्यादा बेहतर हैं। बिकॉज दे कंटेन लेस फैट, क्योंकि इनके अंदर फैट कम होती है। ईट लेस फैटी डेरी फूड, हमें कम फैट वाली डेरी फूड्स लेनी चाहिए, सच एज बटर एंड क्रीम, जैसा कि बटर एंड क्रीम। कंप्यूटर गेम्स माइट बी फन, कंप्यूटर की जो गेम्स हैं वो फन हो सकती हैं, बट दे डू नॉट यूज़ अप मच एनर्जी, लेकिन इनमें ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। ईट मोर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग से परहेज़ करें। इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रिलैक्स और अवॉइड स्ट्रेस सिचुएशन, हमें रिलैक्स रहना चाहिए और स्ट्रेस वाली सिचुएशन से बचना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, बाकायदगी के साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए। वॉकिंग ब्रिस्कली फॉर अबाउट 20 मिनट, 20 मिनट तक तेज़ चलने से टेक अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज 15 मिनट बाइक राइड, और अ मीडियम लेवल वर्कआउट एट द जिम। 20 मिनट तक तेज़ चलने से इतनी एनर्जी इस्तेमाल होती है जितनी 15 मिनट तक बाइक पर सफ़र करने पर और जिम में मीडियम लेवल की एक्सरसाइज करने में इस्तेमाल होती है। एक्सरसाइज डू नॉट हैव टू बी हार्ड वर्क, एक्सरसाइज में सख्त मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन बी फन, ये फन हो सकती है। ब्रिस्क वॉकिंग मूव मोर ऑक्सीजन इनटू द ब्रेन, तेज़ चलने से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन की तरफ मूव करती है एंड ट्रिगर्स और एक्टिवेट कर देती है द रिलीज ऑफ केमिकल, केमिकल के रिलीज को कॉल्ड एंड्रोफिन। तेज़ चलने से ऑक्सीजन ज़्यादा ब्रेन की तरफ मूव करती है और एंड्रोफिन का रिलीज होना एक्टिवेट हो जाता है। एंड्रोफिन एक हैप्पीनेस केमिकल्स है। इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एंड्रोफिन कहाँ पर रिलीज होता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। टुगेदर दीज कैन हेल्प टू लोअर एंग्जाइटी, और ये दोनों मिलकर परेशानी कम करने में हेल्प करते हैं। इंक्रीज द फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, और वेल बीइंग हेल्दी रहने की, अच्छा फील करने की फीलिंग को बढ़ा देते हैं। एंड लीव यू मोर रिलैक्स, और आप ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।